नमस्कार, आरपीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश दवाने और आइए नजर डाल। सुदर्शन वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज नाथूराम गोडसे जयंती के उपलक्ष्य में नाथूराम जी के नाम से रक्तदान किया गया। प्रतिवर्ष इस तरह सभी सुदर्शन वाहिनी कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया जाता है। वह इसी दिन को एक प्रथा के रूप में सुदर्शन वाहिनी द्वारा बनाया जाता है। अतः आज वाहिनी के कार्यकर्ता संतोष गोले, दीपक सेंगर, सूरज मोरे, सुनील धनगर, राजा लड्डू, राहुल बड़ोले, बंटी वासनिया आदि कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया गया। शिवम धनगर, मोहित यादव, नितिन आदि उपस्थित थे। वहीं वाहिनी के जिला अध्यक्ष नवनीत सिंह द्वारा अपील की गई कि सभी युवा साथी रक्तदान के लिए आगे आए। जरूरतमंदों के लिए रक्तदान कर किसी का जीवन बचाया जा सकता है और कहा कि किसी न किसी तरह की बीमारी नहीं होती, न ही किसी प्रकार के रक्त की कमी होती। रक्तदान करने से कैंसर व हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का भी खतरा कम हो जाता है। आपका नाम? नवनीत सिंह, सुदर्शन वाहिनी जिला अध्यक्ष। आज किस विषय को लेकर रक्तदान किया गया? आज सुदर्शन वाहिनी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा नाथूराम गोडसे जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान किया गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सुदर्शन वाहिनी के सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान किया जाए, क्योंकि नाथूराम गोडसे जयंती के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष एक प्रथा चली आए, इस हेतु आज रक्तदान किया गया। और मैं सभी युवाओं से यह अपील करता हूँ कि सभी युवा साथी रक्तदान के लिए आगे आए और रक्तदान करें। इससे बंद कर मैं सभी युवा साथी से कहना चाहता हूँ कि सभी युवा साथी रक्तदान के लिए आगे आए व रक्तदान करें। इससे ना ही किसी प्रकार की बीमारी होती है, ना ही किसी प्रकार की कमजोरी होती है। इससे कैंसर जैसी घातक बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।